बता नहीं सकती मैं कितना अच्छा लग रहा है। और गुरुजी से मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ, और कैसे जुड़ी पता नहीं। मैं उस टाइम पे ये था कि मैं और मेरे अंकल हम सोचते थे कि हमें गुरुजी बनाने चाहिए। कहते हैं ना, गुरुजी से गुरु ज्ञान देते हैं। और तो हम देख रहे कि किस तरह, मैं तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई गुरुजी अगर इस तरह से जैसे वृंदावन में है या और भी है तो तुम देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखते देखते एक दिन स्टेटस पे मैंने, मेरी एक कजन सिस्टर है, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पे, वो गई थी सत्संग में, उन्होंने स्टेटस पे लगाया हुआ था। तो मैंने रात को उनसे बोला 11 बजे कि ये कौन से गुरु जी है। तो वो बोलती है ऐसे ऐसे छतरपुर वाले गुरु जी है। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना। तो उन्होंने बताया इसके बारे में। तो बस उसी दिन से ये देख लो मेरा कनेक्शन कैसे हुआ पता नहीं। अब फिर मैंने अगले दिन सर्च मारा तो आपके सत्संग आने शुरू हो गए, गुरु जी के स्टेटस आने शुरू हो गए। फिर इंस्टा खोला तो इंस्टा पे आंटी थी जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, आपके ग्रुप में भी ऐड हूँ मैं भी, और अंकल भी मेरे, मैं 5 नंबर में हूँ और अंकल 6 में है। तो उस पे आया था कि आप व्हाट्सएप कॉल करें तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और हम लोग इतने फटाफट ऐड हुए दोनों, मैंने खुद का भी किया और अंकल का भी किया, हम लोग उसमें ऐड हो गए। और उसके बाद अंकल वो ग्रुप बंद हो गए कि एक्स्ट्रा संगत नहीं ली जाएंगी। ये भी एक गुरुजी की इच्छा ही थी कि हमें इस तरह अपने से जोड़ा। और सबसे बड़ा सत्संग मेरा था गुरुजी के आने के बाद, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। तो ग्रुप में ऐसी बात चल रही थी तो मैंने मैसेज डाला कि मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है और मैं कैसे पूजा पाठ करूं गुरु जी की। तो गुरु जी को तब आना होता है ना, तो इस तरह आते हैं। तो मुझे एक आंटी का मैसेज आया ग्रुप से ही, उन्होंने बोला आप अपना एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं आपके पास गुरु जी का स्वरूप भेजती हूँ। और वो आंटी उत्तराखंड से थी, रितु आंटी, और उन्होंने उत्तराखंड से गुरु जी मेरे पास आए हैं। मेरे मेरे घर में क्या, गुरु जी का ही घर है। मैंने गुरु जी से बोला था, गुरु जी तब तक मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी तो मैं बोलती थी गुरु जी मैं नीचे तब आऊंगी तब आप आएंगे। तो आप कहाँ से हैं? गुरु जी कौन आए, सी? मैं ईस्ट आप दिल्ली शाहदरा दिल्ली से? जी। गुरु जी मेरे घर में आए, उस टाइम मुझे इतना भी नहीं पता था कि गुरु जी अगर आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, कुछ मीठा भोग बनाना है, कुछ बनाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन गुरु जी आए और मेरे घर में सब कुछ ठीक होता चला गया। जो टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, सब दूर हुई। और सबसे पहले गुरु जी ने मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस करी। इस तरह मैंने कई सत्संग आपके सुने थे जिसमें कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसके सत्संग आ रहे थे उस टाइम पे कि आज वो पित्त की थैली फट गई है या ये हो गया, इस तरह से सत्संग आए हुए थे। तो मैं गुरु जी से अरदास करती, डेली पूजा करती उनकी कि गुरु जी आप अंकल की जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको कैसे भी आप दूर करिए, मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत रोग दूर करते हैं लोगों के। तो तभी गुरु जी मेरे पास आए हैं जनवरी में पिछले साल, लास्ट ईयर। और उसके बाद लास्ट ईयर ही अप्रैल में अंकल का ऑपरेशन होने का नंबर आ गया। और ऑपरेशन भी अंकल इस तरह हुआ है कि हमें कुछ नहीं पता कैसे हुआ है। ये बोलते हैं ना कि प्राइवेट जॉब है तो ये था कि अगर 1 महीने की छुट्टी होगी तो फिर घर का कैसे होगा। लेकिन गुरुजी ने इतना स्मूथली सब चीज करवाई है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बीता और कैसे नहीं। तब अंकल के ऑपरेशन का मतलब ये था कि इनका बीपी इतना हाई रहता था, इतना हाई रहता था। एक बार हम पहले ऑपरेशन के लिए गए तो ओटी में से ये वापस आ गए और डॉक्टर ने वहां पे 7 बार इनका बीपी चेक किया। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो 7 बार चेक करने के बाद भी ये बोल रहे थे कि अगर आपका बीपी थोड़ा भी कंट्रोल होता है तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन इनका तब तक गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं आए थे। उसके बाद अप्रैल में ऐसा हुआ कि अंकल को इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि रात भर मैं बहुत परेशान रही। अकेली थी घर में, बच्चे छोटे हैं तो मैं रात भर परेशान रही। फिर सुबह हम हॉस्पिटल गए तो वहां पे लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि इनकी हालत ज्यादा वो हो रही है, खराब हो रही है, आप इनको एडमिट करा दो हॉस्पिटल में। फिर मैंने अपने बाकी फैमिली मेंबर को फोन किया, अपनी नंद को किया, वो आई। तो आने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ और आप जो भी पास में अच्छा हॉस्पिटल है उसे देख के वहां पे चले जाओ। चेकअप कराने गए तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया तो बोलते हैं आप लोग कल आ जाना। और इनका बीपी चेक करके बोलते हैं आपका बीपी इतना हाई हो रहा है, आप बैठे किस तरह हो यहाँ पे, इतने में तो
मतलब ब्रेन हैमरेज के ज्यादा वो आ जाते हैं, इतना बीपी हाई हो रहा है आपका। और इस तरह मैं अंकल इतना घबरा गई बहुत ज्यादा, मैं गुरुजी का नाम जपते जपते गई तो मुझे हॉस्पिटल में बैठे बैठे घबराहट होने लगी। तो मैं अंकल से बोलती हूँ मैं बाहर जा रही हूँ 1 मिनट के लिए और आप बैठो। तो मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी आप हो ना हमारे साथ, आप कुछ भी मुझे दिखा दो, ऑटो पे, गाड़ी पे, कुछ भी, कहीं भी ओम दर्शन भी होते हैं तो मैं सोचूंगी आप मेरे साथ हो। लेकिन अंकल मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया वहां। हमेशा जनरली ऐसा होता है कि ऑटो पे हमेशा हर हर महादेव, त्रिशूल बनना, कुछ भी लिखा रहता है, लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं रोने लगी और परेशान हो रही थी, घबरा भी रही थी। उन्होंने टेबलेट वगैरह दी हॉस्पिटल में और बोला कि आप लोग कल सुबह मॉर्निंग में आ जाना। ठीक है। तो रात को मैं गुरुजी को गुड नाइट करने के लिए बैठी और उनसे बात करके और सोने के लिए चली गई। फिर मैं गुरुजी से अरदास करके रात को बोली कि गुरुजी आज हॉस्पिटल हम लोग गए और आप थे नहीं हमारे साथ वहां पे, और ऐसे कैसे होगा गुरुजी, कौन देखेगा, आप ही बताओ क्या होगा, बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा। तो रात को ये मंत्र जाप करा और गुरुजी से बात करी, मैं सो गई। फिर डॉक्टर ने बोला था कि सुबह मॉर्निंग में आप 5:30 बजे इनको नाश्ता करा के और 6 बजे तक गोली देंगे, टेबलेट देनी है, उसके बाद ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं खाने को देना, आप लोग आ जाना 9-10 बजे तक। हमने कहा ठीक है। तो फिर सुबह मॉर्निंग में मेरे को ड्रीम दर्शन पहली बार गुरु जी के हुए और मेरे को उसमें गुरु जी दिखाई देते हैं। तो गुरु जी एक चेयर पे बैठे हैं और पास में, ये नहीं पता मेरा बेटा कि मेरा अंकल गुरु जी के पास आए। तो मैं आके गुरु जी के पैरों पे, गुरु जी के आगे खाना रखा है उसमें गुरु जी क्या खा रहे हैं, उसी दिन नवमी भी पूजी थी मैंने, तो गुरु जी खा रहे हैं प्लेट में चना और हलवे का प्रसाद। और मैं गुरु जी के पास आके खूब रोती हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। फिर गुरु जी के पैरों पे मैंने अपना सर रखा। बहुत देर बाद गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ फेरा और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल के दर्शन, मतलब हॉस्पिटल में गुरु जी के दर्शन होते हैं। उसमें दिखता है कि गुरुजी जोत जल रही है, बहुत सारी संगत बैठी है और अचानक से सब लोग वहां पे जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस तरह बोल रहे हैं। एकदम से गुरुजी दिखाई देते हैं और फिर मेरी आंख खुलती है, मैं देखती हूँ 5:30 हो रहे हैं। मैंने फटाफट अंकल को उठाया, इन्हें मतलब ये फ्रेश वगैरह हुए, फिर इनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता दे के और टेबलेट दे के अपना डेली का मैंने काम किया और हम लोग हॉस्पिटल के चल दिए। और अंकल जाके देखा हमने हॉस्पिटल में, नॉर्मल बीपी इतना नॉर्मल था, इतना नॉर्मल था कि मैं बता नहीं सकती। जिस बंदे का बीपी हमेशा 110 नीचे का रहता था, ऊपर का 200 तक जाता था, तो उसका नॉर्मल, और हम लोग कहते कि ये तो बहुत कम है, आपने गलत चेक किया। वो कहते नहीं आंटी ये बिल्कुल ठीक है, बीपी तो इतना ही होना चाहिए। मैंने कहा जिस आदमी का कभी नॉर्मल रहता ही नहीं है उसका आज इतना डाउन कैसे जा रहा है। तो ये भी एक गुरुजी की महिमा थी। और आधे घंटे के अंदर अंकल ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छे से हुआ, और महीना भर कैसे कटा, कैसे गुरुजी ने निकलवाया बिल्कुल नहीं पता। मतलब सत्संग तो इतने हैं मैं बता नहीं सकती, घर में छोटे छोटे बहुत ओम दर्शन भी होते हैं। गुरुजी ने बेटा ब्लेस कर रखा है, 7 जुलाई का ही उसका बर्थडे होता है, और वो भी ऐसे ब्लेस किया, उस टाइम तक तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसको भी वो जिसे प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी और 7 मंथ का वो हुआ था और इतना सा था बिल्कुल 1 किलो का, और डॉक्टर ने बोला कि आप इसको फटाफट ले जाओ नहीं तो बचने के चांसेस बहुत कम है। और आज बेटा 11th क्लास में है, 17 साल का है, गुरु जी की कृपा इतनी है। तो मैं सोचती हूँ, मैंने कहा अगर इसको कुछ हो जाता और आगे आने वाले टाइम में मुझे गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना था तो मैं गुरु जी से फिर लड़ाई करती, गुरु जी आपने बेटा दिया 7 जुलाई को और वो भी ऐसे किया, तो गुरु जी ने उसको इतना ब्लेस कर रखा है, इतना ठीक है। आज बेटा भी, बेटी भी, अंकल भी, हम लोग सब मानते हैं गुरु जी को, बहुत बहुत मानते हैं। और हमेशा मेरे तो मुझसे यही मतलब शुक्राना भी, जय गुरु जी। और अंकल ब्लेसिंग्स आई थी कई बार, पहले आपके फॉर्म भरे उसमें नाम नहीं आया, फिर अभी जो लास्ट टाइम आई थी उसमें मैंने फॉर्म फिल किया अपना भी अंकल का, तो हमारा दोनों का ही सबमिट हो गया, बल्कि मेरा तो इनकम्प्लीट था और आपने उसमें मैसेज में डाला कि ये लोग के इनकम्प्लीट है, इनकी ब्लेसिंग नहीं आएगी, और एक घर में से 2 संगत है उनकी भी ब्लेसिंग नहीं जाएगी, एक की जाएगी, लेकिन अंकल की पहले आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी नहीं आती है कोई नहीं, एक की तो हमारी आई गई, लेकिन वो दूसरी फिर मेरी दोबारा आ गई और इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरु जी ने बहुत कृपा है गुरु जी की, अंकल
गुरु जी का स्वरूप दिखा अभी दिया आप आपको। अभी हाल फिलहाल सत्संग सुनने शुरू करे आपने जीएसबी पर? नहीं, अंकल मैं तो बहुत तब से आपसे जुड़ी हूँ, तभी से सुन रही हूँ मेरे को। तो ये तो अगर कितने टाइम से, मतलब 2-3 साल से जुड़े हो? हाँ जी 2-3 साल से। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक घर से दो फॉर्म मत भरना। हाँ जी बोलते हैं आप। मैंने इसलिए भरा था ताकि कभी अगर, क्योंकि मेरे को चरण स्वरूप की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस टाइम मेरे पास थे भी नहीं। मैंने एक में ही आ जाएंगे, एक में आ जाएंगे, लेकिन भरा इसलिए था ताकि उनका ना भरा गया तो मैं भर लेती हूँ। दोनों सेम टाइम पे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, ना आए, एक जने का तो आ रहा है ना। लेकिन गुरुजी आगे ने से ऐसा नहीं करना। नहीं, आगे से अपना भर्ती भी नहीं हूँ। और नहीं, बड़े नहीं, मंदिर अगर जाते भरोगे भी तो एक भरो, क्योंकि आपके घर जो दो ब्लेसिंग गई है वो एक संगत किसी और को जा सकती थी। हाँ जी एक ब्लेसिंग जी। अब आपकी ड्यूटी ये है कि उसको इकट्ठा मत करो, एक ब्लेसिंग उसमें से किसी और को दे दीजिए। एक अभी एक तो जो सेट है वो किसी और को दे दीजिए। अच्छा, जो कोई मांगे उसको दे दे कोई। जी ये तो आप कह रहे हो कि मैं सालों से सुनती आ रही हूँ, तो ये तो कम हाँ से कम जी। मैं 50-100 बार बता चुका हूँ ये बात जी, कि आप बचा, आगे पास ऑन कर दीजिए। अगर आपके ब्लेसिंग का जखीरा नहीं इकट्ठा करना है हमें, अंकल तो मैं ये थोड़ी सोच बनाना है। कि हाँ, मैं जैसे गुरु जी की सेवा कर रही हूँ, कोई और ना कर पाए, लेकिन कोई अगर बोलेगा तभी तो उसको दी जाएगी ना। मैं किसी को भी ऐसे तो नहीं दे सकती। नहीं वो तो, हाँ जी वो तो, ऐसे कोई सड़क पे चलते हुए थोड़ी देनी है किसी को। हाँ जी इधर आ जाओ ब्लेसिंग ले जाओ, ऐसे नहीं करना। कोई मांगेगा तभी देनी है आंटी। अब तो पुराने संगत हो, ग्रुप में भी हो, जीएसबी ग्रुप में भी हो, मैं तैयार बैठी हूँ। कोई अगर मुझसे बोलेगा तो मैं उसको देने को तैयार हूँ। वो तैयार तो ठीक हो, लेकिन जो किया है वो काम सही नहीं है। वो बताया आपने वो अच्छी बात है, बताया अच्छी बात है कि चलो बता दिया, लेकिन अब मेरा काम आपके जरिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बताता हूँ, ये आपके जरिए हजारों संगत तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ। आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको जरिया बना के आगे तक बात पहुंचाई जा रही है दूसरी संगत तक। हाँ, कि कभी भी डबल ब्लेसिंग नहीं भरनी है एक घर में। आ गई तो उसे किस्मत मानो, ये मतलब ही नहीं है। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ, ये गुरु की कृपा है। इसमें हमें माइंड अप्लाई नहीं करना है। व्हेन वी अप्लाई माइंड, माइंड अप्लाई करते ही वो कृपा, फिर कृपा कैसे रही? माइंड अप्लाई के, थोड़ा सा माइंड अप्लाई हुआ ना आंटी आपका, हुआ कि नहीं? ये ना आए तो रिस्क के उस पे ना, माइंड अप्लाई हो गया ना इस बात में। रिस्क आपने, ये रिस्क ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर में होता है रिस्क। कृपा में रिस्क नहीं होता कुछ, कृपा में कृपा होती है कि तेरी कृपा हुई तो मिल जाएगी, उसमें कौन सा रिस्क। जब हम बीमार होते हैं ना, जब आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, तो फिर आप रिस्क एनालिसिस नहीं कर सकते हो, फिर आप पूरे डिपेंडेंट हो गए गुरुजी पर कि भाई करो जो करना है। नहीं, फिर पूरे होना, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें पूरा सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन वही वही चीज हमें हमेशा रखनी है, सिर्फ बीमारी में नहीं। जो आपने मंत्र जाप करा, जो आपने गुरु जी को पक्के हुए, जिस टाइम पर हस्बैंड जब बीमार हुए, आपको वही दिन याद रखना है और ये देखना है कि उस टाइम में कितना ज्यादा फोर्स के साथ भक्ति कर रही थी या याद कर रही थी गुरु जी को। और ये अपने आप से पूछना है, क्या आज भी वही हो रहा है? आज रोज का मैं वो फॉलो कर पा रही हूं? तो जवाब आएगा नहीं, जवाब आएगा नहीं, नो। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को वहां तक लेके जाएं। रोज नहीं ले जा पाएंगे, बट कोशिश करनी है जी। नहीं तो फिर हो जाता है इसमें हमारा स्वार्थ कि जब बीमार होएंगे तब हम तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, लेकिन जब बीमार नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है, ये सबके साथ है, क्योंकि घर में काम बहुत है, घर की व्यवस्थता बहुत ज्यादा है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, सबको देखना है हमें। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमें भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, सिर्फ गुरुजी एफर्ट करेंगे से नहीं चलता। और रिस्क लीजिए, गुरुजी पर छोड़िए, जो आपने बोला ना रिस्क रहता है, एक रिस्क को हटाया हमने, वो ठीक है, अब वो दोनों ही आ गई आपके पास,
दोनों अंकल की ही मेरा, आईडी, फिर अंकल मेरा नाम उसमें लिस्ट में था कि आपको नहीं आएगी ब्लेसिंग, फिर भी आ गई, फिर भी आ भी गई, आ तो गई। एक भी जी भरते तब भी आती, फिर आपको जी और ज्यादा खुशी होती। आप कहते देखो मेरे को नहीं आनी थी फिर भी आ गई, फिर भी आ इसका मतलब गई। गुरु जी ने आपको भेजनी थी ब्लेसिंग्स। अब वो रिस्क लेते या नहीं लेते, तब आनी ही थी। जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा आंटी, वो मिलकर ही रहेगा, जी उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। यही तो है गुरु और हमारे बीच का कनेक्शन, कि हम ऐसे हाथ जी खुले कर दें और कह दें जो आपको ठीक लगता है करिए हमारे साथ, हम सरेंडर करते हैं, तो फिर सब कुछ देते हैं। वो कहते हैं जब तूने अपना दिमाग लगाया तो फिर मेरे से क्या मांगता है, और जब तूने अब कह दिया कि जो करना है कर, तो फिर मैं संभालता हूं। गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुझे इतनी बड़ी सेना मिल रही थी, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी जी नहीं करूंगा महाभारत में, तो तूने इस निहत्ते कृष्ण को क्यों मांगा? उसने कहा मैं सेना से मदद मांगने नहीं आया हूं, मैं कृष्ण के पास आया हूं। कृष्ण के ये पास। मेरे आप रथ के सारथी बन जाइए। रथ के सारथी का मतलब आप कंट्रोल करिए मेरे शरीर को, आत्मा को, आप मेरे कंट्रोलर बन जाइए। और जब आप मेरे, जब परमात्मा मेरा कंट्रोलर बनेगा, देन आई विल नॉट डू एनीथिंग बैड, फिर मेरे हाथों से कुछ गलत होगा ही नहीं, जब ईश्वर अंकल करे कंट्रोल हमें। हाँ चलिए, थैंक यू अब आंटी, अच्छा लगा आपसे तो बात करके, अच्छा जी लगा, अंकल, अंकल एक थैंक बार मैं यू। आपको अपना गुरु जी का जी स्वरूप बताइए। दिखा देती हूँ जो हाँ जी हाँ जी, आंटी ने दिखा। भेजा उत्तराखंड से। जी ये स्वरूप उत्तराखंड से आए थे जी, बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है, बहुत। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 5 में है? 5 5 में है आप, मतलब शैली आंटी के ग्रुप में? जी शैली आंटी हस्बैंड जी 6 में है, मोनिका आंटी के ग्रुप में? 6 में। हाँ जी 6 में मोनिका आंटी वाले में तो अच्छा, जी। मतलब पहले और बाद में ज्वाइन हुए होंगे शायद आप लोग, हाँ जी पहले कोई मैं खुद हो गई, फिर अंकल हुए, और उसके बाद फिर ग्रुप बंद हो गए थे कि हाँ अभी हाँ नई ओपन अब कर, हाँ जी हाँ किए जी, वो काफी टाइम से अभी जाएंगे। बंद ही है, अब करेंगे हाँ ओपन, जी थोड़े दिन में ओपन करेंगे। तो आपके भी किसी को ऐड होना हो तो उनको कहिएगा कि अभी थोड़े दिन में है ओपन करेंगे। अंकल, मैं मेरे को देख के, मेरी नंद है, मेरी हाँ सिस्टर जी है, हाँ सब जी, लोग। बस मैं 4-5 दिन में अपडेट करूंगा चैनल पे और ग्रुप्स में जी भी, जी जीएसबी के व्हाट्सएप ग्रुप में, हर ग्रुप में 50-50 संगत ऐड करेंगे, लगभग ओके 350 जी नई संगत ऐड करेंगे। हाँ काफी टाइम से बंद है आंटी, आपको पता ही है, लगभग 1-1.5 साल से ग्रुप में नई संगत को बंद। ऐड हमने नहीं कर रहे हैं। उनको बोला हाँ था, वो बोले थे कि हमें भी ऐड करा दें, करा दो उसमें। मैंने कहा अभी अंकल आप ने ग्रुप में बंद। है तो आपको पता ही है कि काफी संगत है जी हर ग्रुप में, तो उनको ही देखना इज नॉट इजी। मेरे ख्याल जी आपके ग्रुप में जी भी 700-800 हजार संगत होगी। हजार संगत है हाँ अंकल, 900 तो कुछ है हजार, उसमें। हाँ वो ऐसे ही 1-1 हजार जी संगत सब में है, तो वो इतना इजी जी नहीं है कि मतलब एक साथ नई संगत बहुत सारी को ऐड करना। और आपको पता है हमारी जी गाइडलाइंस कितनी स्ट्रिक्ट जी है। चलिए थैंक यू, अंकल, मैं थैंक तो यू। शुरू से तब से जुड़ी हूँ आपके सत्संग देख के ही, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, आपके सत्संग देख के ही मैं सब कुछ सीखा है मैंने। और हमारे यहाँ पे संगत भी नहीं है, मैं अकेली खुद से ही, मतलब इधर बॉर्डर की तरफ रहती हूँ मैं, यूपी बॉर्डर की तरफ, क्या तो नाम यहाँ है पे जगह का, अंकल नाम क्या, एरिया का नाम बताइए। शादरा से आगे लोनी बॉर्डर पड़ता है, शादरा में तो बहुत संगत है, उससे आगे पड़ता है लोनी बॉर्डर। हाँ जी लोनी बॉर्डर तो मतलब बिल्कुल वो एंड हो गया आई थिंक, दूसरा हाँ स्टेट का बॉर्डर जी शुरू होता है। हाँ तो हाँ यही जी रीजन होगा। हाँ जी वहाँ लास्ट में, यहाँ संगत बहुत कम है, कम क्या, ना आपके कि बाद बराबरी क्या में कुछ हरियाणा, हरियाणा शुरू हो जाता है नहीं, यूपी शुरू यूपी? होता है जी, ओके तो बिल्कुल बॉर्डर पे यूपी ही है आई थिंक लोनी जो जगह है ना। हाँ जी। क्योंकि अंदर अंदर साइड में तो काफी संगत है, प्रीतविहार साइड में और हाँ जी इधर हाँ जी ईस्ट और इधर दिल्ली में। तो हम लोग बड़े मंदिर भी जाते रहते हैं, एकदम से ही प्रोग्राम हमारे बनते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती है कि मेरे को लेके चलना, तो वो अपना प्रोग्राम बनाती है, वो नहीं जा पाती, लेकिन मैं और अंकल चले जाते हैं। बेटे को भी इतना ब्लेस कर रखा है उसका,
उसका 10th का रिजल्ट आने वाला था, मैं गुरुजी से बोली थी गुरुजी बेटे को लेके आना है ब्लेस करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने तब उसको बुलाया और अगले दिन ही उसका रिजल्ट आ गया। गुरुजी से बोलती थी गुरुजी ऐसा नंबर आप उसको ब्लेस करना कि सबको हम बता सके कि हाँ ठीक है। तो गुरुजी चलिए, ने बहुत अच्छे उसको ब्लेस किया हुआ है। वेरी नाइस, जी थैंक यू आंटी, जी कोई काफी कोई संगत वेट कर रही है, मैं अगले को ऐड करता हूँ। कोई थैंक यू, थैंक जी यू, जय गुरु जी। चलिए, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ फिर से सभी को, सुनी लिया होगा आपने, जब भी आप ब्लेसिंग का फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म भरिए, ठीक है, पहली चीज, और कोशिश करें, ये हाथ जोड़ के विनती है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, फोर्स तो कर नहीं सकता किसी को, अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग बहुत सारी इकट्ठी नहीं करनी है। यस, अगर जैसे आंटी ने बताया कि भाई मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे इसलिए भरा, वो जस्टिफाई है बात, ठीक है, फिर आप भरिए, लेकिन ब्लेसिंग आपके पास अगर एक पूरा गुरुजी की कृपा से GSB जो ब्लेसिंग भेजते हैं वो एक सेट होता है पूरा, उसमें स्वरूप भी होता है, चरण भी होते हैं, लॉकेट भी होता है, पॉकेट स्वरूप भी होता है, ब्रेसलेट भी होता है, और वचन की बुक भी होती है, सारी चीजें होती है, तो आपको उसके बाद फिर इधर उधर नहीं जाना है कि भाई हमें ब्लेसिंग इकट्ठी करनी है, नहीं, नई संगत को लेने देनी है ब्लेसिंग, आपने थोड़ी इकट्ठी कर करके घर भरना है, नहीं, वो चीज मत करिए, अब वो नई संगत के पास जाने दो। एक संगत के पास भी ब्लेसिंग गई तो वो आपके बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, नहीं गई तो आप फिर वो घाटे में आएगी आपकी चीज, कि भाई दूसरे की ब्लेसिंग आप तक पहुंच गई, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है जी, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। चलिए जी, अगला संगत को किसको बोला था मैंने, प्लीज एक हाथ उठाइए, किसी का नाम लिया था नेक्स्ट जिनको ऐड करना है, नहीं लिया था, ओके, सो अभी मेरे पास रिक्वेस्ट है, कमला जी हैं, सुषमा जी हैं, विंकल जी हैं, वंदना जी हैं, बरखा जी हैं, रमा जी हैं, तो मैंने नेक्स्ट किसका बोला था, अभी हाथ तो उठाया नहीं किसी को, तो मैं विंकल जी, मुझे पता नहीं है कि आपका ऑडियो ठीक हुआ है या नहीं, तो आई विल टेक यू लास्ट में, मैं कोशिश करूंगा आपको ऐड करने।